बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद, और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक्सेल के बारे में। मतलब एक्सेल के बारे में क्या बात करनी है, एक्सेल के बारे में यही बात करनी है कि अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा चैनल पर डिस्क्रिप्शन पे कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है। और एमएस एक्सेल को हमने कंप्लीट किया। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनका यही कहना था कि एमएस एक्सेल बहुत अच्छा समझ आया है आफ्टर इट आप एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट जो है उसको भी पढ़ाएं। तो मेरी ज़रूर कोशिश है कि एमएस पावर पॉइंट के बाद जो मैं है फोकस करूं, इसके बाद टोटली पावर पॉइंट के बाद, मतलब एमएस वर्ड और पावर पॉइंट के बाद ऑफिस ऑटोमेशन की तरफ आउटलुक हो गया, एक्सप्रेस हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। वो भी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। सीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोर्स तो डेफिनेटली पावर पॉइंट तक है, पावर पॉइंट से आगे उनका कोई कोर्स नहीं है। लेकिन चूँकि मैं ये सिखा रहा हूँ तो इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो प्ले लिस्ट है, दूसरी प्ले लिस्ट है इसी सेम चैनल की, उसको भी आप ज़रूर देखें। उनमें भी दो तीन वीडियोज़ मौजूद हैं, तो साथ साथ मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ फिलहाल। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये कि आफ्टर इट जो है एमएस एक्सेल के बाद एमएस ऑफिस जो है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि जो आपने एक्सेल पोर्शन पढ़ा उसको प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ये याद रखिएगा कोई फ़ायदा नहीं है इनको सीखने का या इनको पढ़ने का। जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप जो है डेफिनेटली ये स्किल जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब हमारे पास एमएस वर्ड है, थोड़ा सा एक्सेल से आसान है क्योंकि एक्सेल में बैकएंड पे मॉड्यूल या बिहाइंड जो है मॉड्यूल जो है वो ज़्यादा होते हैं और उनको समझना थोड़ा सा, क्योंकि टेक्टिकल है तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप जब फॉर्मूला पुट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम आती है वगैरह वगैरह। खैर एमएस वर्ड में ऐसा नहीं है। एमएस वर्ड में आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड नहायत आसान, बहुत ही आसान जो है आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत आसानी से जो है काम कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि एमएस सॉरी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, विंडोज़ 10, इसमें जो स्टार्ट मेन्यू पर आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं वो कुछ अल्फाबेटिकली सेट हुए हुए हैं। तो आपने करना ये है कि आप यहाँ से एक्सेल के लिए हम ई, जबकि वर्ड चूँकि वो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो हम डब्ल्यू पे चले जाएंगे। तो ये आ गया डब्ल्यू वर्ड और इसको क्लिक करेंगे तो सिंपली ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये आपके पास इस्तेमाल होता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा हमारे पास। मैंने आपको बताया कि वर्ड को बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर अपना ही नेम लिख लेता हूँ। यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं आप और ये प्लस के साइन से जूम इन कर सकते हैं। और जो लोग माउस यूज़ कर रहे हैं उनके लिए आसान तरीकाकार ये है कि वो कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप जो है वो करेंगे माउस में तो जूम इन होगा, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। जो माउस पैड इस्तेमाल कर रहे हैं या टच पैड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए सिंपल ये है कि वो पिंच अप और पिंच इन करेंगे तो उससे जूम इन, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। ये बेसिकली लैपटॉप पे आपके माउस पैड के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड को टेक्स्ट टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर अपना नाम लिख लूँ, MUHAMAD मोहम्मद, MASOOD, तो EUD, तो ये मैंने नाम लिख लिया यहाँ पर। शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और एक
वीडियो जो है मैं कोशिश करूँगा आपको बना कर दे दूँ इस चीज़ के लिए कि शॉर्टकट की कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की जो शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल होती है, शॉर्ट फिंगर हैंड में इस्तेमाल होती है, कौन सी लॉन्ग में इस्तेमाल होती है, हर ये चीज़ें मैं आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर बताऊंगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट इन तीनों को समझाने के बाद इसके एंड पे जो है आपको शॉर्टकट की जो है डिस्क्रिप्शन में किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, मैं ये डेफिनेटली एंड पे ही, लेकिन किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है जो शॉर्टकट की फ़ाइल है वो मैं आपको भिजवा दूंगा या मैं ऐसा करूंगा अपलोड कर दूंगा। खैर, अच्छा दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नहायत आसान है ये। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो सीए नहीं कर रहा, कुछ और पढ़ रहा है और वो चाहता है कि वो अपने स्किल्स को इन्हेंस करे, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को, बाकियों को भी आप जो है कहें कि वो लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड करें, पढ़ें। डेफिनेटली अगर आपको समझ आ रही है तो नहायत आसान कोर्स है, उर्दू में समझाया गया है, तो आप उनको भी कहें ताकि वो भी आसानी से समझ सकें। तो चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कहीं बाहर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाकर पे करके सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो भी आपके छोटे बहन भाई हैं जो सीखना चाहते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है ये, तो उनको भी ये ज़रूर कहें कि वो सीख सकते हैं। खैर, चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे आज। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो है नहायत आसान है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 9 जो है एमएस वर्ड पर मुश्तमिल है, और एमएस वर्ड जो है वो इस्तेमाल क्यों होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि एमएस वर्ड को लोग सीवी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी लोगों ने सीवी बनानी होती है तो वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जॉब प्रोफाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड को। इसके अलावा अगर किसी को लेटर लिखना हो तो लेटर को टाइप करने के लिए भी एमएस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी क्लाइंट की रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए भी एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। कोई मीटिंग एजेंडा बनाना हो तो उसमें भी जो है एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। कोई बिजनेस का प्लान या मिशन स्टेटमेंट, चूंकि जो प्लानर्स होते हैं, जो मिशन स्टेटमेंट होती है वो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बनाई जाती है, तो उसके लिए आपको एमएस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो है बिजनेस कार्ड्स और लेबल्स, आपने देखा है अक्सर शॉप पे जाएं या अक्सर बिल्डिंग्स पे वो कोई भी टैग लगा हो सकता है, कोई भी बिजनेस कार्ड लगा हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ऑफिस में जाएं, लाइब्रेरी लिखा हुआ है डोर के ऊपर, तो वो लाइब्रेरी जो है वो भी प्रिंट आउट करके लगाया होता है, तो वो भी डेफिनेटली एमएस वर्ड पे ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप मीटिंग बुला लेते हैं, मीटिंग के लिए कॉल करते हैं, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक एक टाइम होता है, तो उसके जो मिनट्स होते हैं वो भी, और इसी तरह आपने देखा है बिल्स वगैरह भी इसी पे बनते हैं, जो कस्टमर की सेल्स और इनवाइस रिपोर्ट है वो भी इसी पर बनते हैं, कस्टमर स्टेटमेंट वगैरह भी इसी पर बनते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि टेक्सुअल वर्क जितना भी है वो ज़्यादातर हम सारा का सारा एमएस वर्ड पे ही करते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये है कि आप कैसे नए वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको सेव कर सकते हैं। तो क्रिएटिंग का मेथड तो आपने देखा, फाइल पे हमने क्लिक किया, यहाँ से न्यू पे गए और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया या ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। तो ऐसे आप नई जो है, यहाँ पर वर्कबुक नहीं है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। आपको याद होगा वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वर्कबुक 1, ठीक है, बुक 1, बुक 2, बुक, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2। ये देखें, जो सबसे पहले मैंने ओपन किया वो डॉक्यूमेंट 1 है, उसके बाद जो ओपन किया वो डॉक्यूमेंट 2 है। इसी तरह Ctrl+N, यहाँ पर भी Ctrl+N ही है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट 3, 4, 5, 6, अगर आप देखें यहाँ टाइटल पे डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है। ये आपके पास टैब्स हैं, डिफरेंट टैब्स, ठीक है, और हर एक टैब का अपना एक जो है वो स्टैंडर्ड बार है, ठीक है। और इसमें भी जैसे आपके पास एमएस एक्सेल में रिबन बने हुए थे, यहाँ पर भी आपके पास रिबन्स बने हुए हैं। ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, हर ग्रुप का नेम लिखा हुआ है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, इसी तरह आपके पास टेबल ग्रुप है, इलुस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम इन टैब्स को इस्तेमाल करेंगे। तो
ये स्टूडेंट्स याद रखें कि हम लोग एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे काम करने के बाद करेंगे क्या? हम इन तीनों को सीखने के बाद मैं ऐसा करूंगा कि आपके सामने परफॉर्मा जो है वो बनाया करूंगा, फॉर्मेट्स बनाऊंगा। जैसे एक दिन मैंने आपको रिजल्ट अकॉर्डिंग शीट बनाना सिखा दी, दूसरे दिन मैंने आपको सीवी बनाना सिखा दी। तो इस तरह के काम हम करते रहेंगे, उससे ये है कि आपकी स्किल्स जो है वो काफ़ी इन्हेंस होगी। ठीक हो गया? और मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे लाइव भी आऊं और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं डेफिनेटली उनका जवाब दूंगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी मैं ज़रूर जो है लाइव जो है आकर तो उसको मैं सॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा कि क्या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं। ठीक हो गया? खैर, इसके बाद हम इसको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं, देखें 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है? अच्छा, इसको सेव कैसे करेंगे? सेव के लिए एक तो शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। ठीक है, ये सेव के लिए होती है। अच्छा, F12 इसमें भी जैसे MS Excel में थी, F12 सेव एस के लिए इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल ओ ओपन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास कोई फाइल मौजूद है, आप उसको ओपन करना चाहें, ओपन करें, ब्राउज करें, ब्राउज करने के बाद फर्स्ट करें, ये सी लिखा हुआ है, इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास ये ओपन हो गया है। ठीक है, ये कोई डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो ओपन हो गया है। इसके अलावा डेस्कटॉप पे कोई फाइल मौजूद है तो ओपन पे क्लिक करूँगा, और इसके बाद ब्राउज, और ब्राउज के बाद मैं डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई फाइल मौजूद है, ये फाइल है, और इसको ओपन करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो नहायत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। डॉक्यूमेंट इज़ द कंप्राइजिंग वन और मोर पेजेस, मतलब आपके पास एक दो तीन, यहाँ पर वहाँ पर आपने देखा एमएस एक्सेल में शीट्स हुआ करती थी, यहाँ पर आपके पास शीट्स नहीं है, यहाँ पर पेजेस हैं। ये देखें, पेज वन ऑफ वन मतलब टू ऑफ टू हो गया, और इसी तरह मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो डेफिनेटली नए नए पेज क्रिएट हो रहे हैं। वैसे पेज ब्रेक की कमांड जो है वो कंट्रोल एंटर है, कंट्रोल एंटर से नए पेजेस ऐड होते हैं, ये देख लें। और बैक स्पेस से आपके पास पेजेस डिलीट होते हैं, मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है? तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल समझिएगा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास सेव बटन है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली जब आप सिर्फ सेव करते हैं तो अवर राइट होता है, मतलब आप वेयर लिखा, वेयर के बाद कुछ भी लिख रहे हैं, ये लिख दिया डाटा मैंने। ठीक है? तो डाटा लिखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा तो बेसिकली सेव हो जाएगा, अवर राइट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये सेव हो रहा है, उसी के ऊपर सेव होता जा रहा है। और अगर मैं किसी नई जगह सेव करना चाहता हूँ या नाम चेंज करना चाहता हूँ तो फिर मेरे पास सेव एज का ऑप्शन, यहाँ सेव एज पे जाऊँगा ब्राउज करके, तो मैं किसी भी जगह पर सेव कर सकता हूँ। या फिर उसके अलावा जो दूसरा तरीकाकार है मेरे पास वो ये है, F12 प्रेस करूँ। F12 प्रेस करने के बाद मैं किसी भी जगह पर सेव करना चाहूँ, इसका नाम चेंज करके या इसका फॉर्मेट चेंज करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि हम टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। टेम्पलेट बनाने का तरीकाकार भी मैं बता देता हूँ कि टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। टेम्पलेट एक्चुअली सैम्पल होता है, एमएस एक्सेल में भी हमने कुछ सैम्पलिंग के बारे में, कुछ टेम्पलेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पर टेम्पलेट्स हमारे पास क्या थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं, हमने फाइल पर क्लिक किया, फाइल पर क्लिक करने के बाद हमने जब न्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अच्छा, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, जैसे इस वक्त मैं क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो मुझे ऑनलाइन की ज़रूरत भी पड़े तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मेरे पास कुछ ऑनलाइन टैम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है? तो मैं फर्स्ट करें ये कोई लेटर हेड है, इसको देख लेता हूँ और इसको क्रिएट करूँगा तो डेफिनेटली मुझे डाउनलोडिंग का पहले कहेगा। डाउनलोड इसने किया और इसने ओपन कर लिया, तो ये इस टैम्पलेट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है? हम कोई भी कंटेंट या कोई भी डाटा लिखना चाहें, हम इवन सीवी कोई देखना चाहें तो सीवी फॉर्मेट भी हमें मिल जाएंगे। हम जाते हैं न्यू पे और देख लिए कि यहाँ पर रिज्यूमी एंड कवर लेटर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सीवीज के पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे होंगे मौजूद हैं। यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई थिंक दिस इज़ द गुड, ये आप क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद आप ये डाउनलोड हो रही है ऑर्गेनिक शेप रिज्यूमे, मतलब ऑर्गेनिक शेप जैसी होती है वैसे ही ये उसने
रिज्यूमे बनाए हुए, बहुत आउट क्लास बनाई हुई है, पिक्चर भी बहुत आउट क्लास, मतलब आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फॉर्मेट भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, आप ऑनलाइन जो है वो कोई भी फॉर्मेट उठा लें। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, जिसकी वजह से ये अभी डाउनलोड कर रहा है। खैर डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट, खैर आई थिंक कि इसने डाउनलोड कर लिया है। तो स्टूडेंट आपको वेट ना करना पड़े, इसलिए जो है मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। और ये देखें कि जी हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये बहुत आउट क्लास जो है वो सीवी फॉर्मेट बना हुआ है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, यहाँ सरनेम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपके पास सिटी का एड्रेस आ गया, यहाँ पर आपका कॉल नंबर, फ़ोन नंबर, और बहुत आउट क्लास लोगो भी इसने इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। आप इन लोगों को भी साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब लोगों का साइज़ बढ़ाना चाहें कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत आउट क्लास जो है वो सीवी फॉर्मेट है, इसके अंदर आप सीवी बना सकते हैं। तो इसके अलावा पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें आप फॉर्मेट पे चले गए और फॉर्मेट पे जाकर आप जो है इसके पिक्चर को चेंज करना चाहें। खैर मैं इंशाल्लाह जो है इसको ज़रूर जो है ये जो फॉर्मेट है सीवी का, फॉर्मेट सीवी बनाना, टैम्पलेट से सीवी कैसे बनाते हैं और ख़ुद से आप सीवी कैसे बनाते हैं, ये दोनों तरीके मैं ज़रूर आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आपने ये करना है। ठीक हो गया। अच्छा खैर इसके बाद हम देखें कि हमने एक मैंने एक और फॉर्मेट भी देखा है, ये भी बहुत आउट क्लास फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आप पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो है ये बेसिकली पिक्चर लिंक हुई है, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और यहाँ से ये हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है, पिक्चर एंड करेक्शन, और यहाँ से आप पिक्चर्स को खैर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊँगा कि ये कैसे पिक्चर अप्लाई की हुई है, फिल कैसे की हुई है वगैरह वगैरह। तो हम ज़रूर इसको जो है ज़रूर सीखेंगे कि हमने ये कैसे किया। खैर उसके बाद हमारे पास कुछ पिक्चर की सेटिंग है, पिक्चर्स की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रीसेट्स इसने ऑलरेडी दिए हुए हैं हमारे पास, हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा डार्कन हो सकता है, एंड इसके बाद जो है ये फिलिंग लिखी हुई है, तो ये पिक्चर है, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर अगर आपके पास वर्क ऑफलाइन पे चले जाएं, और अगर आपके कंप्यूटर में मौजूद है कोई पिक्चर, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई ना कोई पिक्चर ज़रूर मौजूद होगी। लेट्स सपोज ये पिक्चर अप्लाई कर देता हूँ, ये देखें पिक्चर इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं, नहायत आसान है, आप अपनी पिक्चर यूँ ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको तरीका बताया। तो टेम्पलेट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत आसानी से जो है अपनी जो है फॉर्मेटिंग जो है वो किए बगैर आप बड़ी आसानी से अपनी पिक्चर जो है वो बना सकते हैं। तो आज के लिए जो है इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह बाकी जो है, क्योंकि लेक्चर टाइम काफ़ी हो गया, इट्स 18 मिनट हो गए हैं अब, तो डेफिनेटली आप बोर हो रहे होंगे। खैर प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, टैंपलेट्स को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके अप्लाई कीजिएगा, और उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हैं। मतलब इसमें आपके पास अगर आप देखें टेम्पलेट्स आपके पास जो मौजूद हैं, टेम्पलेट्स पे आपके पास यहाँ पर बिजनेस कार्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं। मतलब अगर मैं फ्लायर्स को देखूँ तो ये पार्टी इनविटेशन का फ्लायर है, टेलर डॉग वॉकिंग का फ्लायर है, तो डिफरेंट इवेंट के फ्लायर्स हैं। मतलब आप अगर कोई इवेंट के फ्लायर बनाना चाहें तो वो भी आपको टेम्पलेट यहाँ से मिल जाएंगे, आप कस्टमाइज़ करें और वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपके पास इवेंट नेम आ गया वगैरह वगैरह, तो बहुत आउट क्लास यहाँ पर फ्लायर मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ये आपके पास टैम्पलेट का। पहले जो पुराने वर्जन्स थे उनके अंदर ऑनलाइन की फिजिबिलिटी थी, लेकिन उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना बड़ा ज़रूरी होता था। अब खैर ये चीज़ें इन चीज़ों से आज़ाद हो गए हैं। जैसे अभी देखें रेस्टोरेंट ब्रोशर जो है वो देखें किस तरह का बना हुआ है, ये भी बहुत आउट क्लास बना हुआ है। ठीक है, तो ये हेडलाइन टाइटल
और वगैरह वगैरह, मुझे तो ये देख के ही बस भूख लगने शुरू हो गई है। तो ये देखें, पुट कोट हेयर टू हाईलाइट दिस इशू ऑफ योर न्यूज़ लेटर। बहरहाल आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बड़ा फ्रूटफुल होगा, बिकॉज़ मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का जो है ना शौक होता है इन चीज़ों के लिए। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।